मैं बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। तेज बहादुर यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, वाराणसी से नामांकन रद्द होने का है मामला। तेज बहादुर यादव ने उम्मीदवारी रद्द होने पर आरोप लगाया था कि पीएम मोदी की जीत आसान करने के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की गयी। बर्खास्त BSF जवान तेज बहादुर यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारी रद्द किए जाने के मामले में तेज बहादुर की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच से इसे खारिज करते हुए कहा, हमें इस याचिका में ऐसी कोई बात नहीं दिखती है कि हम इस पर सुनवाई करें। तेज बहादुर के राजनीतिक करियर के लिए यह बड़ा झटका है। तेज बहादुर ने दरअसल वाराणसी से सपा के टिकट पर नामांकन भरा था और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। हालांकि उनका नामांकन दस्तावेजों में कमी के आधार पर रद्द कर दिया गया। तेज बहादुर ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपनी याचिका में रिटर्निंग अधिकारी पर गलत फैसला लेने की बात कही थी। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। तेज बहादुर इससे पहले भी तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने सैनिकों को खराब भोजन परोसे जाने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद उन्हें BSF से बर्खास्त कर दिया गया। अनोखा स्कूल जहां फीस के लिए पैसे नहीं बल्कि बच्चे देते हैं प्लास्टिक का कचरा। प्लास्टिक प्रदूषण आज दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है, जिसकी और गंभीरता से सोचने और कदम उठाने की जरूरत है। इसी दिशा में गुवाहाटी के अक्षर स्कूल ने एक बेहतर प्रयास शुरू किया है। इस स्कूल में बच्चों से फीस की जगह प्लास्टिक कचरा लिया जाता है। स्कूलों में बच्चों को शपथ दिलाई जाती है कि वे प्लास्टिक को जलाएंगे नहीं और उनसे इन्हें इकट्ठा करके फीस के रूप में ले लिया जाता है। हर बच्चे को सप्ताह में 10 से 20 प्लास्टिक की चीजें जमा करनी होती है, फिर इन्हें रिसाइकल कर दूसरी चीजें बनाई जाती है। इस स्कूल को बनाने में प्लास्टिक से ही बनी इको इसका इस्तेमाल किया गया है। गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए परमिता शर्मा और माजिन मुख्तर ने 2016 में इस स्कूल की शुरुआत की थी। यहाँ बच्चों को गणित विज्ञान जैसे मूलभूत विषयों के अलावा पर्यावरण के लिए जागरूक किया जाता है। बच्चों को यहाँ सिंगिंग, डांसिंग, सोलर पैनलिंग, गार्डनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कारपेंटर, कॉस्मेटोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिसाइकलिंग जैसे व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि वे आगे चलकर अपनी आजीविका कमा सके। BJP का आजमगढ़ की रैली में दिखी इतनी भीड़, जाने वायरल हो रही है तस्वीर की सच्चाई। आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट लोकसभा चुनाव 2019 में चर्चा में है। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से BJP के चुनाव प्रचार की एक तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर पूरी तरह से फेक है। ये BJP के आजमगढ़ की रैली की तस्वीरें हैं। तस्वीर में एक मैदान में काफी भीड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तस्वीर पूरी तरह से फेक बताई जा रही है। तस्वीर को फेसबुक पर अमित शाह के फैन पेज ने शेयर कर दावा किया है कि BJP की रैली आजमगढ़। पोस्ट में दो तस्वीरें शेयर की गई है। दोनों तस्वीरों में काफी भीड़ दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर काफी टॉप से ली गई है। इस पेज के फॉलोअर्स लाखों में है। पोस्ट को 2 मई को फेसबुक पेज पर शेयर किया गया था। इस पोस्ट को 1 मई को कैप्शन फ्री हिमाचल प्रदेश के नाम से फैन पेज ने भी शेयर किया था। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।